तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सेल और एडवांस एक्सेल में क्या सेग्रीगेशन है, मतलब क्या डिफरेंस है, क्या एक्सेल जो है एक्सेल है या एडवांस एक्सेल कोई अलग है, या एडवांस एक्सेल कुछ अलग अलग फीचर्स है, इस कंफ्यूजन को दूर कर लेते हैं। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ने कहीं भी इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है कि हाँ ए फीचर द बेसिक, ए फीचर द एडवांस, राइट। बेसिक और एडवांस डिपेंड करता है हमारे यूज के ऊपर। अब इसके लिए हम आपको दो एग्जांपल बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे 10 लिखा और यहाँ पे 20 लिखा, दो सेल पे दो चीज लिखा हमने। अब मैं 10 को कॉपी करके 20 के ऊपर पेस्ट कर देता हूँ, जाहिर सी बात है 20 10 से रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, राइट क्लिक करके हम पेस्ट स्पेशल पे आते हैं। अब पेस्ट स्पेशल पे आने के बाद हमें यहाँ पे मिलता है बहुत सारे ऑप्शन। इसमें से मैं ऑपरेशन वाले सेक्शन के अंदर हम ऐड ले लेते हैं। अब क्या होगा, 10 और 20 के बीच में कैलकुलेशन होगा और 50 पेस्ट हो जाएगा, 30 सॉरी। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आप 300 पेस्ट हो जाएगा, राइट। तो आपने अभी आपने इस एग्जाम्पल से जाना, मेरे इस एक्सप्लेनेशन से जाना कि हम कहीं से कॉपी करके कहीं पे पेस्ट करते हैं। पेस्ट करते समय हम पेस्ट स्पेशल में अगर ऑपरेशंस के अंदर हम चुनाव करते हैं जो कैलकुलेशन, वो कैलकुलेशन होकर रिजल्ट पेस्ट हो जाता है, जाहिर सी बात है, सिंपल सी चीज समझा आपने। अब इसको मैं बेसिक कह सकता हूँ, बहुत सारे ट्रेनर्स आपको यही चीज सिखाएंगे, लेकिन जब एक वर्किंग प्रोफेशनल के पास जाएंगे तो सबसे पहले वो सर खुजाएगा और आपसे बोलेगा इसका इस्तेमाल क्या है, क्यों सीखे। ऐसा तो नहीं ना है कि मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, बीटेक कर रहा हूँ, एमटेक कर रहा हूँ, हमारे प्रोफेसर ने सिलेबस में डाला हुआ है, मुझे सीखना है, इस पे 10 नंबर का एग्जाम क्वेश्चन आएगा, देना है वरना फेल कर जाऊंगा। ऐसे सिस्टम तो है नहीं यहाँ पे। यहाँ पे क्या है कि आपको सीख के अपने ऑफिस में यूटिलाइज करना है। आपका सीखने का मोटिव कोई सर्टिफिकेट या लेना या पास करना नहीं है, आपके सीखने का मोटिव है कि ये चीजें सीख के आप ऑफिस में अपने चीज अपने अपने काम में इम्प्लीमेंट करेंगे, जिससे आपका काम फास्ट हो जाएगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा और इजी हो जाएगा। क्या एक्यूरेसी आ जाएगी काम में। करेक्ट तो इसलिए हमें पता होना चाहिए ना कि अभी इसको यूटिलाइज क्या करेंगे। हम तो जान गए ये चीजें, तो मुझे एक्सेल हेल्प भी बता देगा। क्या अगर एक्सेल हेल्प में पेस्ट स्पेशल ऑपरेशन सिलेक्ट करूं तो ये चीजें तो एक्सेल हेल्प भी बता देगा। अब एक प्रोफेशनल के पास हेल्प क्या एक्सेल हेल्प तो पता अब चलेगा। जैसे अभी भी मैं अगर काम करता हूँ एक्सेल, मुझे कुछ चाहिए होता तो मैं भी हेल्प लेता हूँ, नेट पे देखता हूँ, हाँ, यूट्यूब में मतलब देखता कि हूँ, तो मिल कहने का जाता मतलब कि कोई चीज के बारे में आप जानेंगे तो जब तक अलग अलग उसकी यूजेज ना जानेंगे तो क्या फायदा सीखने का, वो तो एक्सेल हेल्प से ही पता चल जाएगा ना, ट्रेनिंग लेने का क्या फायदा फिर। अब इसी चीज को मैं एक प्रॉब्लम के साथ डिस्कस करता हूँ। अगर मेरे क्लास में आते हैं या एडवांस एक्सेल की क्लास में जाते हैं जो रियल में एडवांस एक्सेल पढ़ा रहा है, अब एक छोटा सा एग्जाम्पल को किस तरह से पढ़ाएगा। अगर मैं अपनी बात करूँ तो सबसे पहले मैं आपको परसेंटेज के बारे में समझाऊंगा कि 20 मुझे परसेंट लिखना है, सिर्फ 20%, तो 20% का सिंबल देके फिर एंटर प्रेस करूंगा तो 20% आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे 20% टाइप करके फिर मैं एंटर प्रेस करके सिलेक्ट करके अब परसेंटेज का सिंबल ला लूँ तो 2000% हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक्सेल के अंदर 1 = क्या होता है, 100%। इसका मतलब कि मुझे बाद में परसेंटेज लगाना है तो 0.20 रखूंगा, राइट। ये तो हमने बता दिया नियम, मतलब कि एक्सेल की जो फंक्शनलिटी है वो बताया आपको। अब बात करते हैं प्रॉब्लम। अब हमारे पास एक प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे एक कलीग है, मुझे एक डेटा भेजते हैं, राइट। डेटा भेजते हैं और डेटा में वो इस तरह के भेज देते हैं जो कि इस तरह का डेटा होता है जो कि आप देख पा रहे हैं। अब होता क्या है कि मुझे इसको यूज करना है। अब मेरे कलिक के हिसाब से ये 88%, बट ये एक्सेल के हिसाब से 88 है। मतलब अगर मुझे 500 का 88% निकालना है और 88% फॉर्मेट में है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट मल्टीप्लाई। क्या
और रिजल्ट आ जाएगा। राइट लेकिन अगर यही यही आपका 88 नंबर हुआ, जैसे कि हमारे कलीग ने मुझे भेजा है, अगर मैं इसको इससे करता हूँ मल्टीप्लाई तो क्या होगा, रिजल्ट गड़बड़ आ जाएगी। तो हमें जरूरत पड़ेगी अपने फॉर्मूले में चेंजिंग करने की, राइट। अब यही पे राइट प्रॉब्लम आता है, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों का डेटा अपने अपने उस रिपोर्ट में डालता हूँ, जहाँ पे मोस्टली लोग मुझे इस तरह का डेटा नहीं भेजते हैं, इस तरह का परसेंटेज भेजते हैं, बट कुछ लोग हैं जो मुझे इस तरह का डेटा भेज देते हैं। अब मैं इसको डायरेक्टली अपने एक्सेल में यूज नहीं कर सकता, मुझे इसको पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करके फिर मुझे अपने रिपोर्ट वाले एक्सेल में ले जाना पड़ेगा। अब यहीं पे आती है प्रॉब्लम कि कैसे कन्वर्ट करें, क्योंकि अगर मैं इसको एक एक करके डबल क्लिक किया, परसेंटेज का सिंबल लगाया, तो क्या होगा, डेटा अगर हजारों लाखों में हुआ तो होगी काम सर आपकी, छुट्टी हो गई पूरी। सही दूसरा बात सोल्यूशन है कि मैं यहाँ 0.88 को लिखो कर दूं, मैं सबको डेसिमल में कन्वर्ट करके फिर इसके ऊपर परसेंटेज लगाओ। है। अब डेसिमल में कन्वर्ट कैसे होगा, यहीं पे आती है इससे पहले जो एग्जाम्पल बताया मैंने पेस्ट स्पेशल वाला, वो एग्जाम्पल मैं एक सेल में लिखूंगा 100, इस 100 को कॉपी करूंगा, पूरे सिलेक्टेड एरिया को सेलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और इसमें हम डालेंगे क्या, डिवाइड। तो हर नंबर को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो नंबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, पॉइंट पॉइंट में आ जी जाएगा हाँ, पॉइंट में, डेसिमल में, या दशमलव भी कह वो सकते हैं। डेसिमल। अब दशमलव में जब आ गया, सिंपल सी बात है, हम परसेंटेज यहाँ पे ला देंगे, सैंपल कन्वर्ट हो गया। अब आप कंपेयर कीजिए, इससे पहले जो एग्जाम्पल बताया वो बेसिक एग्जाम्पल था, और मोस्टली ट्रेनर जो किसी बड़े बड़े ट्रेनिंग सेंटर्स में होते हैं, जहाँ घुसते ही आपको एक सुंदर सी लड़की मिलती है, आपको मुस्कुरा कर स्वागत करती है, और बड़े बड़े छपे हुए 3D डिजिटल आपको, या फिर 3D में पॉम्पलेट और ब्राउचर देते हैं, और फीस के बारे में सब कुछ बताते हैं, और बहुत सारे नियम कानून बताते हैं, तो वो लोग आपको इससे पहले वाला एग्जाम्पल समझाएंगे। रीजन ये है कि उनकी जो ट्रेनर्स है उसी ट्रेनिंग सेंटर से पढ़ के और उसी में पढ़ाते हैं मोस्टली ट्रेनर। जो भी ट्रेनिंग सेंटर विजिट करेंगे उनके जो ट्रेनर होते हैं उनसे पूछिएगा कि आप कहाँ से पढ़े हैं, तो बोलेंगे मैं इसी से पढ़ा, 90% ऐसा है, ठीक है ना। उनके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता है, और ये जो चीजें मैं बता रहा हूं मैंने इसको कहीं पे सीखा है, मतलब हमने हालात के थपेड़े खा खा के सीखे हैं, एक एक टॉपिक को हमने इसी तरह से सीखा है। जब एक प्रॉब्लम फेस हुआ, सोल्यूशन के लिए हमने R&D किया, इधर उधर हाथ पैर मारा, कुछ यूट्यूब से, कुछ गूगल से, कुछ दोस्तों से पूछा, कुछ तरीके लगाए, कुछ अपना दिमाग लगाया और चीजों को सीखा, और हमें एक तरीका, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज मैंने बताई, जो अभी तरीका बताया, जो एग्जाम्पल बताया, अब इस एग्जाम्पल से आपके दिमाग में एक सटीक जगह बैठ गई कि हाँ, इसको जो है एक बड़े से डेटा को कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसको आप जल्दी भूलेंगे, इसी को बोलते हैं एडवांस एक्सेल, समझ गए। अब जैसे कि अब एक और एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे कि समझाने का तरीका क्या होता है। तो एक अभी 9 बजे के बाद मैंने नेस्टेड इफ की क्लास लिया, ठीक है सर, नेस्टेड इफ की क्लास लिया, और मैंने ये फॉर्मूला जो आपके सामने दिख रहा है फॉर्मूला बताया, राइट। तो सबसे पहले मैं अभी फॉर्मूला क्या है देख लीजिए, कि सारे सब्जेक्ट अगर ग्रेटर देन 30 है तो पास करना है, तो भाई फेल करना है, रिजल्ट निकालना है पास फेल का। तो यहाँ हम इफ और एंड से लगा सकते थे, बट प्रॉब्लम है कि कौन से सब्जेक्ट में फेल हुआ है वो भी शो करना है, तो एंड नहीं कर पाया, क्योंकि एंड का सिंपल सा मेथड है कि अगर सिंगल रिजल्ट और मल्टीपल कंडीशन तो काम करता है, बट यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन है, नहीं मल्टीपल कंडीशन है बट सिंगल रिजल्ट नहीं है, मल्टीपल रिजल्ट है, तो यहाँ हम नेस्टेड इफ यूज करते हैं। तो हमने लगाया कि इफ अगर ए इक्वल
greater than equal to 30, then again if इसको select किया greater than equal to 30, then again if इसको select किया greater than equal to 30, फिर यहाँ पे again if इसको select किया greater than equal to 30, अगर ऐसा है तो pass, अब pass करने की संभावना एक बार है, fail करने की संभावना चार बार है, तो मुझे चारों का लिखना पड़ेगा, फेल चार बार, सब्जेक्ट फोर फेल हुआ, फिर सब्जेक्ट थ्री फेल, फिर सब्जेक्ट वन फेल, ये सब्जेक्ट टू होगा ना, सब्जेक्ट वन फेल यहाँ होगा और यहाँ पे सब्जेक्ट टू फेल हो, राइट। अब उल्टा चलता है क्या यहाँ पे? हाँ, मतलब कि यहाँ से स्कोर से स्टार्ट उल्टा चलता है, आप मान लीजिए उल्टा चलता है, तो अभी आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, अभी आप ट्राई करेंगे तो हो सकता है कि आपसे बने ना बने, बहुत मुश्किल ही लग रहा है। चार कंडीशन है, अगर इसके जगह पे चार के जगह पे आठ कंडीशन हो जाए तो और ज्यादा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, राइट। अब चलिए इसी का हम बताते हैं बच्चों को तरीका, जो नहीं समझ पाते उनको आप अलग तरीका सिखाते हैं। हम बोलते हैं कि आप सब में अलग अलग आए, कि अगर यहाँ पर a greater than equal to 30 है तो पास और फेल, ये तो लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं ना सर? हाँ हाँ। अब इसको लगाने के बाद मैंने क्या किया, ड्रैग कर दिया, अब यहाँ पे मुझे बस सबका सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट थ्री, और बोले सर कर क्या रहे हैं, मैं हमें तो कुछ और चाहिए था, आपने तो अलग अलग लगा दिया, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्या कहते हैं ना, इंतजार का फल मीठा होता है ना, ऐसे बोलते हैं ना सर? ओ सॉरी, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट थ्री सब्जेक्ट फोर, यहाँ सब्जेक्ट फोर, अब मैंने अलग अलग लगा दिया, लेकिन मुझे चाहिए इस तरह से एक सेल में, हमने क्या किया, अब उल्टा चलेंगे, क्या करेंगे, बताया था ना उल्टा चलता है, तो हम लेंगे लास्ट वाले इफ को और तीसरे इफ के पास की जगह पे लगा दें, नहीं नहीं ये उल्टा नहीं चलता, वहां फिर ये सीधा चलता है, एक मिनट, सब्जेक्ट फोर करना ना, तो कंफ्यूजन थी थ्री फोर, तो ये उल्टा ही चलता है, माफ कीजिएगा, वो सब्जेक्ट वन था इस कारण से मैं भी कंफ्यूज हो रहा था, सब्जेक्ट फोर को लिया और सब्जेक्ट थ्री के लगा दिया, पेस्ट कर दिया ना पास की जगह पे, अब मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, फिर हम सब्जेक्ट थ्री के पूरा लेंगे इसको और यहाँ पास की जगह पे लगा देंगे, हो गया सर? अब इसको डिलीट कर सकते हैं, फिर इसको हमने कॉपी करेंगे और यहाँ पे, मतलब कि एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर पास की जगह पे इसको डालते चले, हो गया सर? अब इसको कट करके डाल दीजिए जहां डालना है, ड्रैग कर दीजिए नीचे की तरफ, आ गया? ये तो समझ जाइएगा, ये तो बना सकते हैं ना, अभी जो तरीका बताया मैंने, ये जो कॉपी पेस्ट करने का तरीका मैंने बताया सो उस बना सकते हैं, इस पे नहीं बना सकते अब, या दोबारा बता दूं सर आपको? कोशिश करूंगा, अभी समझ नहीं आया, इतना ज्यादा नहीं आया कैसे किया आपने। हाँ, मतलब हमने क्या किया, बताता हूँ आपको, समझाइए एक चीज, समझाइए क्या होता है कि अगर आप एक साथ इतना लंबा फॉर्मूला लगाने में अगर असमर्थ हैं तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूले को तोड़ देंगे, सारे फॉर्मूले को अलग अलग सेल में लगाएंगे, अब फिर हम फॉर्मूले को एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर पेश कर देंगे, अब गलत होगा तुरंत पता चल जाएगा, हम कंट्रोल जेड कर देंगे, अब इसमें गलत होगा तो एंटर मारने के बाद पता चलेगा ना, फिर खोजोगे यार इसमें कहाँ गलत है कहाँ गलत है, क्या समझे कि नहीं समझे आप? नहीं तो अब यहाँ पे क्या किया, हमने इफ लगाया, इसको सेलेक्ट किया ग्रेटर देन इक्वल टू 30 किया और हमने बोल दिया पास, अदरवाइज हमने बोल दिया फेल, सब्जेक्ट वन
फेल, राइट। और हमने इसको ड्रैग कर दिया, ड्रैग करने से फॉर्मूला लगाने का भी टाइम बच गया, बस इसके अंदर की जो थोड़ी बहुत चेंजिंग है वो हमने कर लिया। क्या सर? हमको पास को फेल करना रहेगा, राइट? हाँ, मैंने पास फेल नहीं, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो चेंज करना होगा ना, फेल वाला। अब ये चारों अलग अलग सब्जेक्ट के लिए मुझे इकट्ठा चाहिए ताकि ढूंढ के दिखाएगा, तो चारों में पास होने पे भी पास देना चाहिए, देना है मुझे तो भाई फेल देना है जिस सब्जेक्ट में फेल है। तो हम क्या तो करेंगे, ये मर्ज करना शुरू कर दिया। जो S1 फेल आया है, ये केवल अभी पूजा वाले का डेट निकाला, राइट? इसमें हाँ सबका है, पूरा निकला, ए पूजा वाला करेंगे, एज का पहले का है। पहले का ना, जो नीचे हाँ आया है S1 फेल। हाँ तो मैं क्या करूंगा ना कि जैसे सबसे लास्ट वाले को फॉर्मूले को लूंगा, फॉर्मूले को कॉपी कर, कॉपी कर लिया, इक्वल कॉपी नहीं करूंगा, एस्केप मार के बाहर आऊंगा और फिर क्या करूंगा, थर्ड वाले पे पास के जगह पे डाल दूंगा। अब यहाँ पे दो फॉर्मूला मर्ज हो गया सर, देखा आपने, पहले क्या था, सिंपल था, अब दो फॉर्मूला हमने मर्ज कर दिया कॉपी पेस्ट के, समझे कि नहीं सर? यहाँ पे लिया, दो फॉर्मूले मर्ज किए, तो अब मेरे पास ए और दोनों मर्ज हो गया। अब मुझे फिर इनको और इनको मर्ज करना है, ये जो दो फॉर्मूले हैं उसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे गए और क्या किया, इसको पेस्ट कर दिया पास की जगह पे। अब यहाँ पे तीन फॉर्मूले मर्ज हो गए। अब वापस मैंने इसको लिया और यहाँ पे इसको कॉपी किया और यहाँ डाला, ये हमारा चौथा फॉर्मूला मर्ज हो गया। ऐसे अगर पांचवा होगा तो पांचवा, छठा, सातवा, आठवा, दसवां, इस तरह से लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप बड़े बड़े फॉर्मूले भी लगा सकते हैं, समझ गए? तो ये इस तरह के जो तरीके हैं हमने कई सालों की रिसर्च के बाद निकाले हैं कि बच्चों को समझ में आते हैं। अब बात करते हैं कोर्स की। देखिए मेरे पास, बट बोलिए, ये बताइए, ये जो फार्मूला हम लगाते हैं, इसका कुछ बेसिक होता है कि फार्मूला कहाँ पे कौन सा लगता है? हाँ होता है ना, अच्छा एक्चुअली भी फॉर्मूला लगा देंगे आपको, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और आपका डेटा क्या है उस पर डिसाइड होता है फॉर्मूला क्या, समझे? ठीक ये सारी चीजें हम आपको समझाएंगे। हम बात करते हैं कोर्स की। तो पहला है हमारा एडवांस एक्सेल विथ फॉर्मूला, जिसकी PDF फाइल मैंने आपको भेजी है। इसमें क्या क्या कवर है जान लेते हैं। लेकिन सबसे पहले मेनू बार के जितने भी फीचर्स हैं, सारे फॉर्मूला वगैरह सारे चीज कवर है इसमें। हर एक चीज को हमने बेसिक टू एडवांस कवर करने की कोशिश करेंगे। अब बोलेंगे सर एडवांस एक्सेल में आप बेसिक की बात कर रहे हैं, तो सर क्या है कि आपको किस टॉपिक के बारे में पता है, नहीं पता है, पता है तो कितना पता है, इसकी जानकारी हमें नहीं ना है सर, इसलिए हम सोचेंगे कि आप बिल्कुल जीरो है, ठीक है ना? हम 0 ही चलना, राइट? और हम इसी हिसाब से स्टार्ट करेंगे, इसलिए हर टॉपिक को बेसिक टू एडवांस लेके चलेंगे। उसके बाद मोर देन 300 फॉर्मूले, फॉर्मूला नेस्टिंग, एरे फॉर्मूला, डायनेमिक चार्ट क्रिएशंस, ये सब चीज आपके साथ डिस्कस करेंगे। इन शॉर्ट आप जब एक बार जब सीख लेंगे तो आप इस तरह की रिपोर्ट, अभी मैं दिखा रहा हूँ, मैं कुछ देर पहले ही बनवाया बच्चों से, इस तरह की रिपोर्ट बनाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। दिख रहा है सर, इस तरह के एनालिसिस करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ये डेटा हमारा ये है, इस डेटा पे बन के आ रहा है, कल के डेट में डेटा चेंज करूंगा तो ये अपने आप चेंज हो जाएगा। तो इस तरह की चीजों बनाने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। अब इसमें समय कितना लगेगा, तो इसमें जो समय लगेगा वो तकरीबन लगेगा आपको वही 2 महीने के आसपास। अब ये 2 महीना जो है ना, ये कम और ज्यादा हो सकता है, ये डिपेंड करता है आपकी लर्निंग स्टाइल। डेली कितनी क्लास होगी, तो 45 मिनट टू 1 आवर, ये भी डिपेंड करता है आपकी लर्निंग स्टाइल। जैसे कि मैंने अपना टॉपिक पढ़ाया और टॉपिक को 35 मिनट में खत्म कर दिया, आपको पूछा है कि क्वेश्चन से डाउट है, कोई टॉपिक को रिपीट करवाना है, आप बोलेंगे नहीं सर सब कुछ समझ में आ गया, यहाँ पे हम रुक जाएंगे। क्योंकि एक दिन में हम एक टॉपिक करेंगे, ताकि जब तक एक टॉपिक, एक चैन सिस्टम होता है कि हर एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से कनेक्टेड होता है। जैसे जब तक आप मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं सीखेंगे तब तक आप एलसीएम सीखेंगे, नहीं, और जब तक आप टेबल नहीं सीखेंगे तब तक मल्टीप्लाई सीखेंगे,
नहीं, क्या? राइट राइट, तो सबसे पहले तो टेबल जरूरी है ना, टेबल सीखेंगे, देन मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, उसके बाद हम एलसीएम सीखेंगे। अगर कोई आके बोले कि मुझे डायरेक्ट सर एलसीएम सिखाओ, और बोलूंगा टेबल आता है? नहीं सर। डिवाइड आता है? नहीं सर। मल्टीप्लाई आता है? नहीं सर। तो क्या खाक सीखेगा? तो उसी तरह से एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से कनेक्टेड होता है, तो इसलिए हम आपको एक दिन में उतना ही पढ़ाएंगे जितना आप ऑब्जॉर्ब कर पाएंगे, पहली चीज। दूसरा क्या होता है कि मेरे पास सारे वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं आप जैसे, उनको होती है सबसे प्रॉब्लम टाइम की कमी, क्योंकि उनको अपना रोजी रोटी भी देखना है, अपना घर भी देखना है, अपने बच्चों को भी देखना है। कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो कि अपने बच्चों के बच्चों को भी देखते हैं। मेरे पास मोस्टली जो एज ग्रुप आता है वो 40 से लेके 80 के बीच में आते हैं। मेरे पास एक एक कनाडा से एक बिजनेसमैन है, वो 87 ओल्ड है, घनश्याम अच्छा दास, यहाँ के हैं, जयपुर के हैं, कनाडा में लेदर फैक्ट्री उनका चलता है, वो लेदर के बैग्स और हैंडबैग वगैरह बनाते हैं। वो और मुझसे सर, पढ़ने बेसिकली के कहाँ? लिए लखनऊ में ही है आप? कौन? हम नहीं, देखिए मैं 2004 से 2020 तक दिल्ली में था, दिल्ली से अच्छा ऑपरेट सर, करता था। 2020 में कोविड में पूरी फैमिली कोविड में हो गई, तो हम शिफ्ट होके अपना बिहार आ गए, यहीं पे आए, तब से गए ही नहीं, तो अच्छा बिहार से ही हैंडल कर रहे हैं। ठीक है। कोचिंग ही चलाते थे दिल्ली में भी। हाँ दिल्ली में है, लेकिन क्लासेस सारी हमारी ऑनलाइन होती थी, वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि मैं खुद वर्किंग भी हूँ, मैं काम करता हूँ, और मेरे पास तकरीबन 40-42 कंपनियाँ हैं जिनकी क्रिटिकल रिपोर्ट को मैं ऑटोमेट करता हूँ। तो ट्रेनिंग तो है ही, इसके साथ मेन फोकस होता है हमारा जो रिपोर्ट्स वगैरह हम बनाते हैं उनके, वो ठीक है सर। और एक बैच में 1 से 3 लोग होंगे, इसमें रीज्वाइनिंग फ्री है, जैसे कि 6 महीने साल भर बाद आपको लगा कि बहुत चीज़ें भूल गए हैं तो आप रीज्वाइन ले सकते हैं। अच्छा ठीक है।